ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुए ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल है। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस बहानगा स्टेशन के पास डीरेल हो गई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस डीरेल हुई थी। इसके कुछ ही डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए थे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं और ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से भिड़ गईं, तो कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं और इस हादसे से जुड़े अपडेट्स भी आपको हम बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया है। रेल मंत्रालय ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मौके का जायजा लिया। ओडिशा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन समारोह भी रद्द कर दिया गया है। जिला कलेक्टर, एसपी रेंज, आईजी पुलिस मौके पर मौजूद हैं। 3 एनडीआरएफ और 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल पर 115 एम्बुलेंस, 50 बसें, 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1200 बचाव कर्मी भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ, राज्य सरकारों की टीम, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू में लगाए जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोग बालासोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हादसे पर शोक जताया है। एम्स भुवनेश्वर में घायलों के लिए बिस्तर, आईसीयू आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे।